पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री रामलीला मेला और दशहरा महोत्सव कमेटी काशी रामनगर मुरादाबाद के तत्वावधान में आयोजित गोस्वामी श्री रामलीला कला मंचन के निर्देशन पंडित श्री राजकुमार गोस्वामी के कलाकारों द्वारा मंचन करने पधारे मुंबई एवं दिल्ली के कलाकारों द्वारा राम जन्मोत्सव से अहिल्या उद्धार तक पावन रामलीला का मंचन किया गया। मुंबई में व्यासपीठ पर आसीन आचार्य अमित शर्मा ने शुभारम्भ किया। शिव शक्ति कला संगठन के निर्देशक संतोष बडोला की समस्त कार्यकारिणी द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। राम के अभिनय में मौसम कुमार, लक्ष्मण के अभिनय में मदन कुमार, दशरथ की भूमिका में गोविंदा, कुलगुरु वशिष्ठ की भूमिका में सुमित वर्मा, विश्वामित्र की भूमिका में विपिन भटनागर कलाकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी देहात विधानसभा और पूर्व बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता रहे। इस अवसर पर सभी का स्वागत सत्कार किया गया और सभी को सम्मानित किया गया, तो वहीं गणेश वंदना से और पूजन कर रामलीला का शुभारंभ हुआ। आदरणीय डॉक्टर प्रभु शर्मा जी, मंच पर प्रभु श्री राम की लीला का शुभारंभ हो रहा है। मेरे साथ में आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी का सानिध्य आज मुझे प्राप्त हुआ। साथ ही सभी वरिष्ठ इस कार्यक्रम के दशहरा समिति के सभी आयोजकों को मैं वंदन करता हूँ। सभी उपस्थित गणमान्य बंधुओं और देवियों की उपस्थिति को वंदन करता हूँ। और एकमात्र संदेश जो आज है वो ये कि हम श्री राम के चरित्र को अगर अपने जीवन में उतार लें तो जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब धूल धूसरित हो जाएंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चरित्र अगर हम उसका आत्मचिंतन करें, आत्मसात करें, तो जीवन उद्धार की ओर अग्रसरित हो जाएगा। आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी। इस राम कथा मंचन समिति के मेरे सभी अति सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे अनुज और जो मेरे सलाहकार भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, ऐसे आदरणीय के मिश्र जी, यहाँ सभी उपस्थित अतिथि बंद नाम जानता हूँ, लूंगा तो देर हो जाएगी, इसलिए सभी उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 13 वर्ष एक दशक से अधिक हो रहा है इस रामलीला को चलते हुए और कई बार 20-40% की रामलीलाओं में मुझे भी देखने का मौका मिला और कई बार विषम परिस्थितियों में जब रामलीला कराई, मुझे लगता है कि उस समय बरसात का मौसम था, बड़ी परिस्थिति, लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा मौका दिया कि रामलीला हर पग पर हमारा मार्गदर्शन करती रही। संदेश आदरणीय भाई साहब के मिश्र जी ने दिया, हमारा संदेश, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जन्म जन्मांतर से ये रामलीलाएं अपने आदर्शों को लेकर समाज में संदेश दे रही है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देखेंगे। कि पुरानी पीढ़ियां तरसती रही और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है, प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सबके लिए निश्चित तौर पर ये बहुत सौभाग्यशाली अवसर होगा। हम रामलीलाओं को बहुत लंबे समय से देखते हैं। गांधी जी से एक बार पूछा कि आप इतना सत्य पर अडिग कैसे होते हो, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने माँ बाप के साथ रामलीलाओं का मंचन देखता था और रामचंद्र जी के चरित्र ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं सत्य पर अडिग, सत्य और अहिंसा भी अडिग रहते हुए अपना कार्य करता रहा। इसलिए आप राष्ट्रपिता कहलाए और देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान रहा, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रगति अगनि चरु करनी में, हे राजन, मेरे द्वारा ये पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का यह पायस अन्न रूप में आया है। हे राजन, इस पायस को अपनी सभी रानियों को बराबर बराबर भाग में
बांट दीजिए तो तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। के सूरजवा चमके अवधवा पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।